हूँ रश्मि और आज मैं आपको लेके आई हूँ टन टन गोवा। 2022 में घूमने की शुरुआत मैंने गोवा से की है, तो उम्मीद है आगे का सफर भी शानदार रहेगा। ये मैं अपने होटल के पास के बीच में हूँ और चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ। सुबह के 7:20 हुए हैं और अभी अभी सनराइज हुआ है। मॉर्निंग का व्यू ऑसम लग रहा है। गोवा इतना पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस क्यों है ये तो आपको गोवा के ही पता चलेगा या फिर मेरा ब्लॉग देखिए। तो मेरा ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गोवा कभी भी आ सकते हैं, सालों भर कभी भी आ सकते हैं, बस गर्मी में थोड़ा ज़्यादा गर्मी होगा और वरना हमेशा एक जैसा मौसम वेदर रहेगा, मौसम रहेगा। आप कभी भी आके गोवा एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अगोड़ा फोर्ट है और मैं इस होटल में ताज अगोड़ा फोर्ट में रुकी हुई हूँ। तो ये सबसे आसपास ही बीच है, बस 2 कदम दूरी पे ये बीच है। बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ से आप फटाफट से आ जाओगे। और आज हम लोग आए हैं गंदोली बीच, यहाँ पे सुबह सुबह का मौसम है, सुबह के 7:30 और लोग तो नहाना स्टार्ट भी कर दिए। तो आप देख रहे हैं रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं ऐसे ही घूमने फिरने के शानदार वीडियोस लाते रहती हूँ। मैं इसी होटल में रुकी हुई हूँ और ये बीच के बिल्कुल पास में है। सुबह उठ के सबसे पहले हम लोगों ने बीच में जाने का प्लान बनाया। ये होटल का स्विमिंग पूल है और अब हम लोग बाहर बीच की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं बीच जा रही हूँ, मैं आगे आने वाली वीडियोस में इस होटल का रिव्यू भी दिखाऊंगी। ये होटल शानदार लोकेशन पे है और ये मॉर्निंग का व्यू देखो, आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। होटल का पीछे वाला गेट बिल्कुल फोर्ट और बीच की तरफ खुलता है। इस होटल से बीच पर आप कभी भी किसी भी टाइम में जा सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस होटल का। हम लोग बीच पहुंच गए और ये देखो चारों तरफ का नजारा। सानवी डरते डरते बीच के किनारे वॉक कर रही है। बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे तो अभी शानवी घूमने आई है तो बहुत एंजॉय कर रही है। हम लोग बीच के किनारे टहल रहे हैं और समंदर की लहरों का आनंद भी ले रहे हैं। मुझे तो ये नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है, खासकर ये समंदर और लहरें और लहरों के किनारे मस्ती करना। गोवा समंदर किनारे ही बसा हुआ है तो आपको हर जगह बीच ही बीच देखने को मिलेगा। नॉर्थ गोवा में 4 सबसे पॉपुलर बीच है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है बागा बीच, अंजुना बीच, कलंगुट बीच और कंडोलिम बीच। हम लोग जिस बीच पे अभी हैं वो कंडोलिम बीच का एक किनारा है। आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको कंडोलिम बीच भी लेके जाऊंगी। जिनको फोटोग्राफी का शौक है उनके लिए तो बीच शानदार लोकेशन है। मुझे भी फोटोग्राफी का शौक है तो आप मुझे बताइएगा मेरे क्लिक्स आपको कैसे लगे। हम लोग होटल वापस आ गए
और अपना पैर क्लीन कर रहे हैं। ये मैं आपको अगोडा फोर्ट दिखा रही हूँ। आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको अगोडा फोर्ट का पूरा डिटेल दिखाऊंगी। आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको सारे बीच लेके जाने वाली हूँ। मैं आपको अगोडा फोर्ट लेके चलूंगी और अगोडा फोर्ट का शानदार व्यू दिखाऊंगी। मैं आपको कंडोलिम बीच भी लेके चलूंगी। मैं आपको कलंगुट बीच का भी शानदार नजारा दिखाऊंगी। मैं आपको नॉर्थ गोवा का सबसे पॉपुलर बागा बीच भी लेके जाऊंगी। जो भी टूरिस्ट नॉर्थ गोवा आते हैं वो तो बागा बीच जरूर आते हैं। गोवा टूरिस्ट के लिए बहुत ही हैपनिंग जगह है। मैं आपको अंजुना बीच भी लेके जाऊंगी, जहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं। अंजुना बीच भी नॉर्थ गोवा में बहुत ही पॉपुलर है। जो टूरिस्ट गोवा आते हैं वो अंजुना बीच मिस नहीं करते हैं। इन सारे ब्लॉग्स को देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लाइक का बटन प्रेस कर दिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खुश रहे, आनंद रहे और मस्त रहे।